हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 19.2 कंप्लीट किए हुए थे। आज हम लोग उसी चैप्टर का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देख, सबसे पहला हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बोल दिया है, राइट द nth टर्म ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दिया हुआ है, गिवेन सीरीज। गिवेन सीरीज क्या है? 1 का क्यूब बाय 1 प्लस, फिर है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बाय 1 प्लस 3, फिर है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बाय 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट डॉट। और हमें इसका क्या चाहिए जी? हमें nth टर्म चाहिए, सिर्फ nth टर्म, सम टू n टर्म नहीं, सिर्फ हमें nth टर्म चाहिए। तो देखिए, इस सीरीज दिया गया है, यदि आप यहाँ से इसका tn nth टर्म निकालिएगा, पहला टर्म में देखिए 1 है 1 का क्यूब, दूसरा टर्म में 1 एंड 2 2 है, तीसरा टर्म में 3 गो है, तो nth टर्म में कितना होंगे? n होंगे। तो nth टर्म में इतना हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब बाय। अब ये कहाँ तक जाएगा जी? nth में हो जाएगा 1 प्लस 5 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट n टर्म्स तक जाएगा। अब बताइए, n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? n(n+1)/2 का होल स्क्वायर बाय, और इसका हमें n टर्म्स तक का सम, क्योंकि ये nth टर्म चाहिए, लेकिन nth टर्म का ये क्या है? सम है, क्योंकि ये nth टर्म मेरा चाहिए, तो इसका nth टर्म पूरा का वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, ये nth टर्म ऑलरेडी यही है। तो इस nth टर्म क्या है? एक सम टू, तो एक क्या है, nth टर्म मेरा जो है ये AP के सम के रूप में है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? n/2 (2)(1+n-1)(d), तो जब यहाँ से n(n+1)/2 का होल स्क्वायर बाय n/2 (2)(2)(n-2)(2)(2) विल कैंसल। अब यहाँ से हो जाएगा n(n+1)/2 का होल स्क्वायर बाय n/2 (2)(2)(2)(2) विल कैंसल। तो हो जाएगा एन स्क्वायर, अलग अलग करें, n² (n+1) का होल स्क्वायर हो जाएगा (4) और n(n)² तो n² (n² विल कैंसल। तो क्या हो जाएगा? 1/4 (n+1) का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर tn मेरा हो गया 1/4 (n+1) का होल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ कन्फ्यूज नहीं करना है, क्या बोले, पहला टर्म में 1 है, दूसरा टर्म में 1 एंड 3, तीसरा टर्म में 1 प्लस 3 प्लस 5, तो nth टर्म में क्या होगा? तो nth टर्म में पूरा ये होगा 2n टर्म्स। अब इसका हमें पूरा कंप्लीट का वैल्यू निकालना है, तो इसका कंप्लीट का वैल्यू कैसे निकलेगा जी? तो सब कुछ सम में है, तो मतलब Sn निकालना है। ये nth टर्म है, ये जो है इस सीरीज का ये nवा टर्म है। जैसे इस सीरीज का nवा टर्म क्या होता है? क्या है? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो इतना हो गया। इसी तरह इसका जो वैल्यू हो जाएगा इतना हो गया। हम लोग इसके हेल्प से क्या निकालनी है? nth टर्म निकालनी है। चलिए इसको नोट कर लें। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, फाइंड राइट द सम ऑफ नंबर्स इन द nth ब्रैकेट। nth ब्रैकेट है, उसका हमें क्या चाहिए? सम चाहिए। क्या दिया हुआ है जी? पहला ब्रैकेट में है 1 स्क्वायर, दूसरा में है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस तरह से दिया गया है, और इसमें बोला है हमें सम चाहिए किसका? nth ब्रैकेट का। ये पहला है, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा, चौथा। देख सकते हैं कि पहला ब्रैकेट में सिर्फ 1 नंबर है, दूसरा ब्रैकेट में 2 नंबर है, तीसरा में 3 है, चौथा में 4 है। nth ब्रैकेट में कितने हो जाएंगे? n हो जाएंगे। तो यहाँ से tn
ये कितना हो जाएगा जी, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, एन स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। एकदम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। चलिए इसको नोट कर लें। इसी का तीसरा नंबर क्या बोला है क्वेश्चन, ये बोला है इफ़ द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स इज 21, एन नेचुरल नंबर्स का सम दिया गया 21, तो बोलता है राइट द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो एन नेचुरल नंबर्स का क्यूब का वैल्यू निकालना है, गिवेन दैट क्या बोला है जी, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज 21, तो यहाँ से हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, 21 ही ना, हाँ 21 इज इक्वल टू हो जाएगा 21, इसको मान ले 1 आ तो इसको ले सकते हैं एन इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू 42, इसको मान ले 1। एंड बोलता है सम ऑफ, क्या बोला है इसमें जी, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का वैल्यू निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट एन क्यूब का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। जानते हैं इसका फार्मूला हो जाएगा, वी नो दैट 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट एन क्यूब का वैल्यू होता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर। अब एन इंटू एन प्लस वन का वैल्यू दिया गया है कितना जी, 42, तो यहाँ से हो जाएगा या 42 बाय टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 21, हो जाएगा 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 इज रिक्वायर्ड आंसर। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या बोला है, इफ़ गिवेन दैट समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू एन एन, ये दिया गया है 21, तो बोलता है राइट द वैल्यू ऑफ समेशन वन इज इक्वल टू 1 टू एन एन स्क्वायर। तो समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू एन एन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू 21, और हम लोग को निकालना वैल्यू कितना जी, एन स्क्वायर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स इज वॉट, ये हम लोग को फाइंड करना है। अब यहाँ से यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू 42। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो एक जानकारी था एन इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू 42 था, तो यहाँ पे एन इंटू एन प्लस वन था, तो यहाँ से एन इंटू एन प्लस वन का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहला, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पूरा कंप्लीट वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसमें नंबर ऑफ टर्म, तो एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू पता हो जाएगा, तो एन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। तो इसको यदि मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू 42। चलिए पहले इधर जो क्वेश्चन बनाए हैं इसको पहले नोट कर लें आप। एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया किसमें, एन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा जी, इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस 7n माइनस 6n माइनस 42 इज इक्वल टू 0। एन कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एन प्लस 7 माइनस 6, तो हो जाएगा एन प्लस 7 इज इक्वल टू 0, हो जाएगा एन प्लस 7 इंटू एन माइनस 6, एन प्लस 7 इंटू एन माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा एन प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और एन माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा एन इज इक्वल टू माइनस 7, यहाँ हो जाएगा एन इज इक्वल टू 6।
अब बताइए नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे एन का वैल्यू कौन पॉसिबल है, मतलब किसको ले सकते हैं किसको नहीं ले सकते हैं, तो एन का वैल्यू -7 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नॉट पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ जो एन इक्वल टू 1 से एन है इसका मतलब ये है कि 1 से एन तक तक का हमें सम चाहिए। यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं -1 टर्म तक का सम चाहिए, -2 टर्म तक का सम चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए नेगेटिव वाला कंसिडर नहीं करेंगे। तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 6, तो देयर फोर यहाँ हो जाएगा समेसन एन इज इक्वल टू 1 टू n एन स्क्वायर, तो हो जाएगा एन इन टू एन प्लस 1 इन टू 2n+1 बाय 6। एन का वैल्यू आप 6 पुट कर दें, पुट एन इज इक्वल टू 6, मतलब एन इज इक्वल टू 1 से 6 तक में, तो हो जाएगा यहाँ से 6 इन टू 6+1 हो जाएगा 7, 6 टू जाए 12 1 13 बाय 6, और 13 7 जा हो जाएगा 91 इज रिक्वायर्ड आंसर। मतलब समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू n एन स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया जी, 91 आ गया है। चलिए इसको आप नोट कर लें। हम लोग देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन है वो बोलता है फाइंड राइट द सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ द सीरीज, 100 टर्म का सम का चाहिए सीरीज का, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे सीरीज दिया ही नहीं हुआ है, सीरीज नहीं दिया हुआ है तो 100 टर्म का सम कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर बोलता है राइट द सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ द सीरीज, दिए गए सीरीज के 100 टर्म तक का सम चाहिए, लेकिन वहाँ सीरीज दिया रहेगा तभी तो हम लोग 100 टर्म्स तक का सम निकालेंगे, सीरीज हम लोग को दिया हुआ नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, मतलब मिस छूटा हुआ उसमें मिसिंग है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या बोलता है, राइट द वैल्यू ऑफ 5² + 6² + 7² + ... हो जाएगा 20 तक का स्क्वायर, इसका हमें वैल्यू चाहिए। अब जब ध्यान से सोचे हमें स्क्वायर्स वाला तो फार्मूला पता था, लेकिन जब भी होता है तो समेशन क्या था, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू n n² था, मतलब शुरुआत उसका कहाँ से होना चाहिए, 1 से होना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए शुरुआत से, तभी वहाँ ये फार्मूला वैलिड था, लेकिन यहाँ शुरुआत कहाँ से है जी, 5 से है, तो ये काम चलने वाला नहीं है, तो इसका शुरुआत होना चाहिए कहाँ से, 1 से, तो लोग क्या करते हैं हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं इसमें 1 से ले लेते हैं 1 का स्क्वायर, तो कहाँ से शुरू, 1 से लेने के लिए एक्स्ट्रा कितना ऐड करना होगा जी, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, और उतना क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लोगों का काम हो जाएगा। तो हो जाएगा नाउ 5² + 6² + 7² + ... 20² तो इसको लिख सकते हैं 1² + 2² + 3² + 4² + 5² ... 20² माइनस हो जाएगा 1² + 2² + 3² + 4², मतलब 1 से लेकर के 4 तक ऐड किए, और यहाँ 1 से लेकर 4 तक क्या करते हैं सेपरेट कर दिए। अब इसका फार्मूला होता था, फॉर्मूला पढ़े हुए थे कि 1² + 2² + 3² + ... का फॉर्मूला n(n+1)(2n+1)/6 ये फार्मूला था। तो यहाँ पे टोटल n टर्म्स थे, यहाँ पर सिर्फ n के टर्म में है, चलिए 3 टर्म्स होंगे तो n के यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, 10 रहेगा तो n के यहाँ पर 10 पुट कर देंगे। यहाँ देखिए यहाँ कितना जी 20 है, तो इसका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 20+1 × 2 × 20+1/6 माइनस 4 तक हो जाएगा 4 × 4+1 × 2 × 4+1/6 यदि इसको हो जाएगा 20 × 21 × 40 22 + 40 = 41 माइनस 4 × 5 × 9/6 यहाँ से कटेगा कुछ 3 से काटते हैं 3 2 6 3 7 3 7 20 1 हो जाएगा 10
ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा कितना जी, 10 7 जा 70 इंटू 41 माइनस 10 3 जा हो जाएगा 30। अभी कितना हो जाएगा, 41 इंटू 7, 41 इंटू 7, 7 4 जा 28, तो हो जाएगा 2870 माइनस 30 हो जाएगा 28, और 70 में 30 जाएगा 40 इज रिक्वायर्ड आंसर। हेलो आंसर वेरीफाई कर लें, ये दिया हुआ है 22840 ये दिया गया है। चलिए आप इसको नोट कर लें, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है अबर कितना नंबर है जी, क्वेश्चन नंबर 7, ये बोलता है राइट द एनथ टर्म ऑफ द सीरीज, उस सीरीज का एनथ टर्म चाहिए, वो क्या है जी, गिवन सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस ...... ये दिया हुआ है और हम लोग को एनथ टर्म इसका चाहिए। अब ध्यान से देखें कि यदि जो सीरीज दिया गया है वो ना ही एपी में है ना ही जीपी में है, तो इसको करना क्या पड़ेगा, लेकिन देखिए यदि एक टर्म को हटा दें, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 4 3, तब देखिए एपी फॉर्म कर रहा है। तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट इसे SN हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस ...... कहाँ तक जी, TN तक। यहाँ यदि SN लिखें तो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस ...... हो जाएगा TN प्लस TN माइनस 1 प्लस TN। यदि इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दें, यहाँ से सबट्रैक्ट कर दें, यहाँ से कटेगा हो जाएगा 0, हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ से 2 माइनस 1 1, 4 प्लस 2 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 4 3 प्लस ...... हो जाएगा 2 n माइनस 1 टर्म्स और हो जाएगा माइनस TN। अब nth टर्म चाहिए, इस TN को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ले आए, तो हो जाएगा यहाँ से TN इज इक्वल टू 1 प्लस, हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ...... 2 n माइनस 1 टर्म्स, तो हो जाएगा 1 प्लस। अब ध्यान दें इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं जी, एन माइनस वन, और हमें इसका सम चाहिए। तो डायरेक्ट देखिए यहाँ जो इस, अब ये जो सीरीज़ है क्या फॉर्म कर रहा है, वह ए पी फॉर्म कर रहा है और ये नेचुरल्स नंबर है, तो फार्मूला के अनुसार कितना हो जाएगा जी, एन माइनस 1/2 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1, तो जगह यहाँ से एन 1 प्लस एन माइनस 1/2 2 प्लस एन माइनस 2, तो 2 2 विल कैंसल, यहाँ से हो जाएगा यार टी एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1/2 और इंटू एन, और जाएगा इंटू एन, एलसीएम लेंगे तो जाएगा 2 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू एन, तो जाएगा 2 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन/2, तो जाएगा यहाँ से टी एन इज इक्वल टू n² - n + 2/2 इज रिक्वायर्ड आंसर, यहाँ से इतना। अब यदि एक तरीका ये है, दूसरा हम लोग यहाँ से इतना नहीं निकाला, डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख सकते थे, हम लोग पढ़े हुए थे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ...... एन का वैल्यू था एन इंटू एन प्लस 1/2, ये फार्मूला था, क्योंकि यहाँ पे कहाँ तक गया था, एन टर्म्स तक था। यदि इसी में कर दें हम लोग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ...... एन माइनस 1, तो n जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या पुट कर दें हम लोग, n माइनस 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट कर दें n माइनस 1, तो जगह n माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 1 n 1 1 विल कैंसिल, तो अब कितना हो जाएगा जी, देखें n n 2 n माइनस 1 बाय 2, वही तो आया है n इंटू n माइनस 1 बाय 2। तो डायरेक्ट लिखें या तो फार्मूला बेस्ड यूज करके देखें, जो एपी के सम के फार्मूला, तो भी आंसर क्या आएगा सेम, देख लें दोनों तरीके से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा था। चलिए इसको आप नोट कर लो, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मतलब टोटल इसमें 8 क्वेश्चंस ही दिए गए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये बोला राइट द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज, nth टर्म दिया गया है और हमें सम टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी तक के सम का वैल्यू निकालना है। गिवेन दैट टी एन इज इक्वल टू 1/n इंटू एन प्लस 1, ये हम लोग को दिया गया है। और इस टी एन के हेल्प से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे जी, एस एन निकालेंगे, और एस एन निकल जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे पुट कर देंगे इन्फिनिटी, तो हम लोग को निकल जाएगा सम टू इन्फिनिटी तक निकल जाएगा। अब याद कीजिए जब इस तरह का क्वेश्चन रहता था एनएस टर्म, तो जो यहाँ जो टर्म था प्रोडक्ट में है, तो क्या करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन करते थे। और पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका मैंने बताया हुआ था कि एक जो है मेथड से, यार एक डायरेक्ट क्या था जी, कि जो छोटा नंबर होता हो उसको पहले लिखते थे, बड़ा वालों को बाद में। तो टी एन के अनुसार लिखें तो हो जाएगा 1/n और 1/n+1। और यदि इन दोनों को आखिर हम लोग को इस यहाँ पे कौन सा साइन देंगे, प्लस या माइनस, ताकि हम लोग को यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1। तो यदि इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ प्लस का साइन देंगे, तो जाएगा n+1 + n/n (n+1), तो यहाँ से बचेगा कितना, ऊपर में हो जाएगा 2n+1, जो कि हमको चाहिए नहीं। तो क्या करते हैं, माइनस दे देते हैं। यदि आप माइनस दोगे यहाँ से n विल कैंसिल, तो 1/n (n+1) ही बचेगा। यहाँ पे साइन क्या देना होगा, माइनस देना होगा। तो ये हम लोग को टी एन का वैल्यू आ गया है। अब क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3 and so on, कहाँ तक, n तक। तो क्या करते हैं जी, टी वन ये कितना जाएगा, 1/1 - 1/2। यदि टी टू हो जाएगा 1/2 - 1/3। टी थ्री 1/3 - 1/4। यदि लेंगे टी फोर 1/4 - 1/5। यदि आप आगे ले लो उसी प्रकार, यदि ले लें आप tn-1, तो हो जाएगा 1/tn-1 फिर -1/tn। यदि आप ले लें tn, तो हो जाएगा 1/n-1/n+1। और सबको क्या कर दें जी, ऐड कर दें, एडिंग वी गेट ये क्या हो जाएगा, t1 + t2 + t3 + ……tn। ऐड करेंगे, देखिए 1/2 कैंसिल, यहाँ से पूरा का पूरा टर्म कटेगा, यहाँ से n-1 भी कटेगा, 1/n 1/n भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या चीज, देखिए यहाँ से पहला टर्म बचा और यहाँ से क्या हुआ, लास्ट बचा। तो पहला कितना है 1 और लास्ट कितना है 1/n+1। अब देखिए सम ये t1 t2 t3 tn, ये क्या है, सम टू n टर्म्स, n टर्म्स तक का वैल्यू है। मतलब यहाँ से हो जाएगा sn इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, 1/1 - 1/n+1। एलसीएम लेंगे तो जाएगा n+1 - 1 विल कैंसिल, तो जाएगा n/n+1। तो ये sn का वैल्यू आ गया है n/n+1। और हमें चाहिए कहाँ तक जी, सम टू इन्फिनिटी। क्या इसी हम लोग n इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n+1/n, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग कर दें n/n+1/n, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1+1/n। तो यहाँ से हम लोग का ये जो वैल्यू निकल गया, ये एस एन का वैल्यू कितना निकल गया जी, 1/1+1/n, ये हम लोग का एस एन आ गया है। अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला है n टर्म्स तक का सम नहीं, बल्कि हम लोग को बोला था इन्फाइनाइट टर्म तक के सम का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं एज n टेंस टू कहाँ जी, इन्फिनिटी, तो जगह एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/1+ यहाँ पे इन्फिनिटी, तो जगह 1/1 - इन्फिनिटी मतलब 0, तो जगह 1/1 इज इक्वल टू 0 1, तो देयर फोर एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1। मतलब ये जो टी एन दिया गया है इसके इन्फाइनाइट टर्म तक का सम यदि निकालें तो उसका वैल्यू होगा 1। हम लोग एक बार आंसर वेरीफाई कर लें,
आंसर कितना दिया गया जी, ये आंसर दिया गया है कितना, ये 1 ही दिया गया है। तो इस तरह से ये हम लोग को जो है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना था वो हम लोग को फाइंड आउट हो गया है। और इसके साथ साथ जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में, टोटल इसमें 8 क्वेश्चंस थे, उसमें तो एक क्वेश्चन तो इनवैलिड ही था क्योंकि उसमें सीरीज नहीं दिया गया था, उस क्वेश्चन मिसिंग था, मतलब टोटल 7 क्वेश्चंस थे। वो हम लोगों ने एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस तो इसमें खैर नहीं थे। चलिए अब हम लोग इसके आगे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसका डिस्कस हम लोग करेंगे, लेकिन उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लें, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।